This is Neha, your math teacher. Today we will discuss exercise 13B, question number 2. Question number 1 आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? Question number 2 से. Question number 2 है आपका, find the area of square whose side is. Area of square. आपको क्या find out करना है? Area of square. तो square की property क्या होती है? Square की property होती है बेटा, all side are equal. की जो साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका? साइड मल्टीप्लाई साइड. आपको साइड कितनी दी हुई है? 16. तो हम 16 की क्या करेंगे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. जब हम 16 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 256. 256. क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये पॉइंट आप अच्छे से समझिए. क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट किया है तो हमने क्या किया है? मल्टीप्लीकेशन. तो जो इसकी यूनिट है आपकी, उसकी भी मल्टीप्लाई होगी. और इसके साथ क्या आएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं. पैरामीटर के साथ आपकी सिंगल डिजिट आती है क्योंकि हम उसे क्या करते हैं? प्लस. लेकिन अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसकी हमने मल्टीप्लाई की 2 टाइम्स, तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई? स्क्वायर सेंटीमीटर. अब बात करते हैं, इसके बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है. सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगल है क्या. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी वो क्या होगा आपका? रेक्टेंगल. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो लेंथ क्या है आपकी? 10. और ब्रेथ क्या है बेटा आपकी? 8. जब हम 10 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 80. क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया है? एरिया. और क्या किया यहाँ पे? मल्टीप्लाई. तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस.